शॉकिंग शॉकिंग नंबर है जो मेरे हाथ में इस वक्त, मतलब जो हमारे सारे कुछ बोल नहीं सकता लेकिन ये शॉकिंग है कुल मिला के हम सब सरप्राइज से ज्यादा सरप्राइज तो चौंकना होता है शॉकिंग। सौरभ हमारे शॉकिंग नंबर लेकर के आया भावेश, कॉमन जा रहा है कहीं ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं बोलेंगे सौरभ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह ये चुनाव लग रहा था बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था बहुत सारे अपने एक्सपर्ट को भी सुन रहा था, जिस तरह कह रहे थे ये ठंडा चुनाव है, नहीं देखिए चुनाव जनता हमेशा लड़ती है, उनको पता है किस मुद्दे पे वोट करना है। और बिल्कुल ही आपके स्टेट वाइज स्टेट आप जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी भी कितने बड़े बड़े नेताओं की इस बार पांव तले जमीन खिसकने वाली है। सबसे सही एक्सप्रेशन, सबसे सही एक्सप्रेशन यूज किया भावेश ने, पांव तले जमीन खिसकाने वाला। मैं वही उसी को एक्सचेंज कर रही थी, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य कौन सा है? बैठे हुए आप लोग लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसे पकड़ के बैठिए आप लोग, सब चेहरा घुमाने से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सीट किसको मिलेगी, सब बताऊंगा मैं, लेकिन सारे कुछ तो बता दीजिए। एक बड़ा नेता एक जगह से चौंकेगा या दोनों जगह से चौंकेगा? मुझे ना इलेक्शन कमीशन के तरफ से आईपैड का पासवर्ड दिया गया, वो 6:30 बजे अनलॉक होगा। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए एग्जिट पोल है अभी, आज 57 सीटों पर जो है वोटिंग चल रही थी, भावेश लेट इसलिए आए, मतलब क्योंकि बैठे थे यहीं पर थे, अपना कंप्यूटर पर टिपर कुछ कर रहे थे, टीम से अपनी बात भी कर रहे थे, तो ये डेटा कंपाइल कर रहे थे, और मैं वो डेटा फाइनली कंपाइल कर ले उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास 3-4 बड़े राज्यों का डेटा नहीं था, इन्होंने नहीं दिया था, वो डेटा कंपाइल होकर के आ गया है। तो यूपी का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का, और कोई फंसा हुआ राज्य आप लोग अगर मानते हो तो यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका पंजाब बंगाल पंजाब मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेट होगा अभी आप आने दीजिए, हरियाणा में पंजाब मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, मान लीजिए पंजाब ने बहुत कुछ बोला, यूपी फंसा हुआ करने का यूपी आपने क्या कहा कह रहा है, यूपी फंसा हुआ कौन मान रहा है, यूपी फंसा हुआ मान रहे हैं ना, ना ये कौन मानेगा भाई, यूपी यूपी तो धरती पे कोई नहीं मिलना चाहिए जो यूपी फंसा हुआ माने, यूपी आप क्या चाहते हो, यूपी भावेश यूपी सभी यूपी में भावेश 6:30 बजे दक्षिण से कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग आएगा, मैंने कहा ना नॉर्थ से लेके दक्षिण पश्चिम से लेके हर जगह शॉकिंग है, हर जगह शॉकिंग है जितना हम सभी लोगों ने डिस्कशन किया, दक्षिण से शॉकिंग है ना, आप चार नतीजा कुछ गेस्ट करते हैं, एक 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 कागज का बोल दिया है तो एक कागज में कितना वजन होता है, एक कागज में कितना वजन होता है मुझे आज पता चल रहा है। अच्छा भावेश आप कुछ नहीं बता रहे, बहुत भारी कागज है, बहुत भारी कागज है, सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव पड़ा ये तो बता देंगे, जिस पर मतदान हुआ। देखिए ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस देश में शुरुआत से तीन मुद्दे बहुत अहम रहे, और मैंने सौरभ जी को एक बार कहा था फिल्मी लैंग्वेज में RRR, राम राशन रिजर्वेशन। राम सबको पता है बीजेपी के वोटर्स को पोलराइज करता है, राशन जो बेनिफिशरी क्लास है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक तुरुप का इक्का है, हर राज्य स्टेट का चुनाव होता है तब भी, लोकसभा चुनाव होता है तब भी, और रिजर्वेशन एक ऐसा इशू था जिस पे दोनों बड़ी पार्टियों ने खेलने की कोशिश की, किसको नुकसान हुआ किसको फायदा हुआ। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है, और अगर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो मुद्दे तो यानी अगर RRR पर हुआ है तो ये आंकड़ा रहेगा 100% कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बोले हर्षवर्धन जी 375 से 400 लिख लीजिए उसको कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए ठीक ठीक। हाँ शांतनु जी बोलिए, 320 से 330 भाजपा, 370 एनडीए, 370 एनडीए। मैं तो मेरे कायम हूँ 272 चुनौती है, 272 के नीचे रहती है या 2-5 ऊपर आती है, मतलब 272 का चैलेंज है। समीर जी बोलिए, मुझे 307 लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 307 मिनिमम लाएगी, 307 के ऊपर चली जाएगी, 307 तो मैक्सिमम बन जाएगी। एनडीए का मिला के जो होगा 335 से 340 सीट, एनडीए मिला के 335 से 340 याद रखिएगा, एनडीए मिला के 370 आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ,
देखिए मैं आपको ये देखो ये गेम अलाउड नहीं होना चाहिए कि दोनों के पास आंसर शीट लेके खड़े हो और हमारे को खिला रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी 307 से लेकर 320 के बीच में रहेगी और एनडीए मिला के 350। मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे, 300 पे गया हूँ। जो बीजेपी है वो 300 सीटें लेके आएगी, अपर रेंज एनडीए में उसके बाद एनडीए बताइए 335 से 340। आपको भी 10 सेकंड दिए मैंने, बोल दिया मैंने, मैं मुझे नहीं दिए थे 10 सेकंड, 5 आप 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, मेरा वही है, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दे रहा हूँ। भावेश आपको गेस करना है, आपका गेस सटीक होगा इसीलिए। मेरी मेरा काम कभी गेस पे चलता नहीं है, मैं जब भी कहता ग्राउंड से लेके डेटा तैयार कर दिया वो क्या गेस करेगा, वो तो बताने वाला है। ये रहा भारत का एग्जिट पोल मेरे हाथ में, भारत में सरकार किसकी बनेगी, नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को क्या 250 के ऊपर 272 अपनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी 50 के फेर में है या 100 के फेर में है, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस एक पर्चे पर, वो सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं और इनके पास एक एक सीट का डेटा है। एक चीज मैं आपके सामने अभी बोल के जा रहा हूं, 543 सीट का चुनाव का नतीजा लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं, 300 सीट इस चुनाव की, अभी इस प्रोग्राम में मैं लौट रहा हूं, 300 सीट एग्जैक्ट आपको प्रेडिक्शन दूंगा।